देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवेंथ पार्ट है ना। गिवन क्या है इसमें आपका सेवेंथ में जो है ए की वैल्यू गिवन है, ए इक्वल टू आपका 8 दिया हुआ है और ए एन की वैल्यू 62 दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू 210 दिया हुआ है। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, डी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए एन और एस एन हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, अब इन दोनों का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लिख लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 62 दिया है, ए की वैल्यू भी गिवन आपके पास 8 है, एन आपके पास नहीं है और डी भी नहीं है, रखे रहिए। एक उधर ट्रांसफर कर दें, 62 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 54। इक्वेशन बंद कर दीजिए इसको, एस एन वाले में आ जाइए। एस एन में हम देखो फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है ना, तो एन बाई टू वाला फॉर्मूला लगा दें, है ना, शॉर्ट वाला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू 210 आपके पास है पहले से, एन अपॉन टू, ए की वैल्यू 8 हो गई, ए एन की वैल्यू 62 हो गया। इस 2 को भेज दें मल्टीप्लाई में, इक्वल टू एन इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, अब 70 भी डिवाइड में भेज दे इधर, 202 अपॉन 70 इक्वल टू एन। यहाँ से बड़े आसान से हमारा एन की कितनी निकल गई आपकी, 6 आ गई, पहला आंसर कंप्लीट हो गया। 1 में एन की रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा, है ना। फिफ्टी फोर इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, अब 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 डिवाइड चला जाएगा यहाँ पे 54 अपॉन 5, ये डी की वैल्यू हो गई। यहाँ से कट गए यहाँ पे 1 जा 0 जा और 8 जा, यानी 10.8 पॉइंट में लेके आएंगे, 10.8 आएगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में रखेंगे तो 54 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी बड़े आराम से, ठीक कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यहाँ पे गिवन है इसमें आपका ए एन गिवन है, ए एन की वैल्यू 4 है, डी गिवन है 2, एस एन गिवन है माइनस 14, ठीक है, और आपका एन फाइंड करना है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए ठीक आ जाइए, ए एन का फॉर्मूला रख दे पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन आपका 4 है ही, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, रह लीजिए कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ होगा नहीं, नहीं होगा, 2 जाएगा इधर, ए प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये माइनस 2 अब चला जाएगा बड़े आराम से इधर 4 के पास, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n, यानी कि पहला इक्वेशन आपका आ गया ए प्लस 2n इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर, ठीक है। दूसरा एसएन निकालिए, एन बाई टू, अब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करें या फिर हम a प्लस ए एन कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से a की वैल्यू को मिल जानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस ए एन ही कर लेते हैं हम लोग, एस एन की वैल्यू आपकी माइनस 14 गिवन ही है, n अपॉन 2 पहले से है, a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, है ना, तो यहाँ लिख दें 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू 4 आपके पास है, क्लियर है,
अब ये 2 इधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 28 इक्वल टू एन ब्रैकेट में 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 माइनस 2n, ठीक है। अब क्या करें, हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस 28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, सबको लेफ्ट ले लो, सब लेफ्ट आएगा तो ये प्लस हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस 10n हो जाएगा माइनस 28 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आपको मिल जाना है, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, 0 में चला जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया क्या, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, बताइए क्या हो सकता है इसमें, माइनस 7 प्लस 2 ये होगा ना, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, एन कॉमन लेंगे एन माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे एन माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n माइनस 7 आपका कॉमन निकल गया बाहर और यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका n माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले आपकी 7 मिलेगी और दूसरे वाले में n इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, n की वैल्यू 7 मिल गया पहला काम आपका। अब एन की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मिल जाएंगे आप, है ना, फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6, देन ए प्लस 14 इक्वल टू 6, देन ए इक्वल टू 6 माइनस इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होगा, कंप्लीट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9th बड़े आसानी से आपका हो जाएगा, ए एन एस टी आर डी मिल गया, ठीक है, 9th हो गया आपका। 10th वाला देखिए, उसमें थोड़ा सा है ट्रिक, एल गिवेन है आपका 28, एस गिवेन है 144 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया है एन इक्वल टू 9 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है ए। देखिए थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या क्या है वो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे L दिया हुआ है, L को ही हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, और N तुम्हारा 9 दिया हुआ है, यानी कि L ही आपका क्या है, An है, क्या है, An यानी A9 L के बराबर है, ये कितना है 28, S तुम्हारा 144 दिया है, मतलब 9 टर्म्स है ही, तो इसको आप S9 भी कह सकते हैं, है ना, ये दो चीज आपके पास है, आपको क्या निकालना है, केवल A निकालना है, है ना, तो एस नाइन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वही वाला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, अब एस नाइन है आपका 9/2, ये आपको निकालना ही है, यहाँ पे ए नाइन हो गया, रख दी वैल्यू, एस नाइन की कितनी है आपकी 144 इक्वल 9/2, ये आपको निकालना है, ए नाइन की वैल्यू कितनी है 22, इधर चला जाएगा, इधर 9 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस 28, 16 हो गया, ठीक है, 16 टू जा 32, 20 इधर से आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ए मस्त, ए इक्वल टू क्या मिल गया आपका 4, कितने आसानी थे सारी, है ना, बस थोड़ा सा दिक्कत थी कि हमको इसमें दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाए, है ना, है छोटा है, ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, तब फोर पर चलते हम लोग।